आपका स्वागत है पबजी टूर्नामेंट में, और ये हमारा चौथा दिन है। कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि आज भी जीतने के लिए तैयार है शैनॉक में। क्या लगता है, खून की बारिश होगी या फिर कोई खिताब लेके जाएगा? चिकन डिनर हो पाएगा आप लोगों से? मैं यही चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी के लिए। बस कुछ ही देर में हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। आज सबों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, 94+ पे जा रहे हैं। बस हमारा गेम स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में। एक मिनट की देरी, बस उल्टी गिनती कर दीजिए चालू। आप सारे शैनॉक में लैंड करने वाले हैं। 3, 2, 1, GO। और ये हमारा गेम चालू हो गया है। शैनॉक है आज का मैच, देखते हैं कि कौन सरवाइव कर पाता है शैनॉक पे। हमारा गेम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे डीएक्स मोहित को मैं देख रहा हूँ, 81 एंटर कर पाए अभी तक, 82, 83, 85 प्लेयर्स एंटर कर पाए। माफ़ी चाहूँगा, वो जो 10 जने बाहर गए हैं उन पे शैनॉक डाउनलोड नहीं था। हमने पहले ही आपको सबको बता दिया था कि शैनॉक डाउनलोड करके ही हम खेल पाएंगे ये मैच। आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज का मैच बहुत रोमांचमय होगा क्योंकि ये जो मैप बहुत छोटा है और प्लेयर यहाँ पे 85 आ चुके हैं। 10 सेकंड की और देरी और ये गेम स्टार्ट होने वाला है। और हवाई पेटी बांध लीजिए, लेट्स गो। कल के मैच के विनर थे प्रेडेटर। कल के मैच के विनर थे। यहाँ पे मिस्टर रंजन भी आए हैं, ललित कुमार बहुत अच्छा खेले थे कल, सरवाइव करते हुए लास्ट जोन तक थर्ड आए थे। प्रेडेटर और कुणाल ही आए हैं आज, जो लास्ट मैच में बहुत धुआंधार खेल के गए थे। और यहाँ पे टीम ट्वेल्व कूद चुकी है। टीम ट्वेल्व और टीम थर्टीन है। एलटी पांडा की भी टीम कूद चुकी है। छोटा मैप है, आज भी 2-3 जने अकेले आए हैं। ये सारी टीमें अभी तक कूद चुकी हैं। बैड एस चर्सी भी कूद गए हैं। अब भीष्म पितामह भी लूटपाट पे लग गए हैं। देखते हैं कि कहीं फाइट होने के चांसेस यहाँ हैं। हेंथई में फाइट होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे 3-4 टीमें कूदी है। यहाँ पे ऋषभ की टीम कूदी है वहाँ पे, और टीम 21 भी है वहाँ पे। टीम 21 अभी तक वहाँ से दूर निकलने की सोच रही है। टीम 9 भी है वहाँ पे। सीआरडीएस की टीम आराम से वहाँ से निकल चुकी है। यहाँ पे थॉमस थॉमस की लड़ाई चल रही थी यहां पे। टीम 20 के थॉमस है यहां पे। यहां पे टीम 11 की भी राइड चल रही है। बैड एस चर्सी की लड़ाई चल रही है यहां पे। बैड एस चर्सी यहां से भाग चुके हैं। टीम सेवन आई एम काल यहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं। नीतीश गौड़ नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे नीतीश गौड़ की टीम को नॉकआउट करके बाहर भेजा, और वाइपर शिप भी बाहर चले गए हैं नॉकआउट होके। बहुत अच्छा गेम चल रहा है। आई एम काल की तरह कूद पड़े। यहाँ पे हैंता है में टीम 24 है, सिद्धू की टीम। और यहाँ पे थॉमस सैडली 20, टीम 20 भी हैं। 20 के बीच में भी कुछ लग रहा था। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से भीम को नॉक करा महाभारत की टीम के भीम को नॉक करा है यहाँ पे।
प्रभात सुहाल, यहाँ पे भूपी भाई ने इन्हें रिप्लाई रिवाइव दिया है। यहाँ पे टीम 20 और टीम 25 का मैच चल रहा है। यहाँ पे डी वायरस के चौथे मेंबर सरजो को नॉकआउट कर दिया है। एलटी नमो एलटी की टीम भी है, मारती है ये इस गेम के, इस मैप के। पूरा स्पेक्टेट करके यहाँ पे पूरा इन्होंने पूरा जाल सा बिछाया है कि एंटर करे कोई और हम यहाँ पे बाहर कर दें उसे नॉकआउट करके। यहाँ पे टीम 25 की लड़ाई चल रही थी, भीम की लड़ाई पे चलते हैं वापस। प्रभात सोहैल को नॉकआउट करके बाहर भेज दिया टीम 20 ने। यहाँ पे प्रभात सोहैल को, टीम 20 के दो ही जने जिंदे, यहाँ पे भीम नॉकआउट हो चुके हैं। भीम को यहाँ पे नॉकआउट करा मैडमैक्स चीनू ने। यहाँ पे भीष्म भी नॉकआउट हो चुके हैं टीम 20 से। यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से भुप्पी भाई ने यहाँ पे सपोर्ट दिया। क्या सपोर्ट दे कि क्या अपने टीम मेंबर को बचा पाएंगे। यहाँ पे पूरी महाभारत की टीम के बस खाली भुप्पी भाई ही बचे हैं यहाँ पे, और बाकी टीम नॉकआउट होके जोन से बाहर चली गई है। यहाँ पे टीम टेन की लड़ाई चल रही है, 957 ही बचे हैं वहाँ पे। यहाँ पे प्रेडेटर कुनाल और प्रेडेटर डस्क यहीं पे दोनों एक साथ हैं वहाँ पे। यहाँ पे 957 अविनाश के भाई हैं, इन्होंने वहाँ पे ग्रेनेड करा। टीम वन की तरफ चलते हैं। टीम वन में है रंजन, राहुल रंजन, केवी से पढ़े हुए, बहुत अच्छा खेलते हैं। 1v4 की भी खेलने की आदत है इन्हें, बहुत अच्छा खेलने की। यहाँ पे टीम 16 की तरफ देखते हैं हम थोड़ा। नवीन पंची की टीम है यहाँ पे आराम से। टीम 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ सिद्धू की टीम है टीम 9, और यहाँ पे टीम 6 का कुछ मुठभेड़ होते हुए टीम 6 का साक्षी नॉकआउट पड़ी हुई है, उन्हें रिवाइव दे रहे हैं। वल्चर कोल्ड ने इन्हें रिवाइव देके बचा लिया है। देखिए एलटी पांडा की टीम क्या कर रही है। एलटी पांडा की टीम आराम से घेर के बैठी है। टीम 11 को देखते हैं। बैड एस चर्ची, मनीष बिष्ट और यशु हैं, आराम से गोते लगा रहे हैं गाड़ी पे, आराम से गाड़ी पहाड़ियों पे चढ़ाते हुए निकल रहे हैं आगे की तरफ। यहाँ पे ड्रॉप गिरा है, टीम 23 है ड्रॉप के पास। संदीप सैंडी की टीम है यहाँ पे, व्हाट द फक स्मोकर, जोन की तरफ दौड़ते हुए। यहाँ पे टीम 23 नूब है, यहाँ पे कैप्टन शानू की टीम है। ड्रॉप लूटा है इन्होंने अभी अभी, ड्रॉप फ्लेयर मंगाया था। देखिए कहाँ पे यहाँ पे टीम 12 के बीच में कुछ मुठभेड़ हो सकती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे टीम 3 भी है। टीम 12 है आराम से यहाँ पे गोते लगा रही है। वहाँ टीम 3 पे अटैक हुआ है। यहाँ पे हैप्पी हरीश नॉकआउट हो गए हैं। रिवाइव दे पाएंगे, नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पे, कोई रिवाइव देने नहीं आ रहा इन्हें। सब आराम से कैंपर की तरह लेटे पड़े हैं, मुझे लगता है कि बहुत दूर हैं टीम मेंबर, बहुत दूर हैं, रिवाइव का रिस्क नहीं ले रहे। अभी ने एक शूट करा था यहाँ पे फ्लोकी डीपी टीवीपी लेते हुए। यहाँ पे सच्ची को भी नॉकआउट कर दिया है, सच्ची को भी नॉकआउट करा। शेडो 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 ऊपर
ऊपर की तरफ से देखते हुए। शैडो प्रैंक्स, शैडो प्रैंक ने शायद देख लिया है अभिनय को। अभिनय को देख लिया है यहाँ पे। यहाँ पे नू 57 की टीम अभी भी बाहर है। टीम 20 है। थॉमस अकेले जिंदा है, थॉमस अकेले जिंदा है। वहाँ पे प्रेडेटर कुणाल, प्रेडेटर कुणाल जोन के बाहर है और नू 57 उनसे लड़ रहे हैं। वापिस चलते टीम 12 की तरफ। पुनीत है वहाँ पे, पुनीत इनका एक प्लेयर, चौथा प्लेयर नॉकआउट है। रिवाइव दे रहे हैं पुनीत आराम से, आसानी से रिवाइव दे दिया है। यहाँ पे टीम 14 स्लेयर वाइपर, स्लेयर वाइपर जिंदा है अभी भी। यहाँ पे टीम 10 नू 57, नू अभी भी जिंदा है। क्या लगता है ये सरवाइव कर पाएंगे? जोन की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं। इनके सारे टीममेट्स मर चुके हैं मगर ये अभी तक जिंदा है। ये आराम से जोन की तरफ पहुंच गए हैं। यहाँ पे अभी तक कुछ मुठभेड़ की नजर नहीं। यहाँ पे टीम 12 के पुनीत, पुनीत को नॉकआउट कर दिया है। यहाँ पे दो प्लेयर नॉकआउट है। यहाँ पे रिवाइव देने आ रहे हैं। इन्होंने टीम थ्री को निकाल दिया है, नॉकआउट करके बाहर भेज दिया है। ऋषभ की भी टीम बाहर हो गई है, जीवन भाई की भी टीम बाहर हो गई है, गायटोंडे की टीम बाहर हो गई है और नीतीश गौड़ की भी टीम बाहर हो गई है, गुरु की भी टीम बाहर हो गई है, मिस्टर जैनीवाल की भी टीम बाहर होगी, ललित जो कल रात सर्वाइव कर रहे थे कल वाले मैच में वो भी बाहर हो चुके हैं। यहाँ पे भुप्पी भाई अलग ही बचे हुए हैं, अकेले सर्वाइव करके आराम से थर्ड पार्टी का कर रहे हैं। यशु के दो प्लेयरों को नॉक कर दिया यहाँ पे, बैड एस चर्सी और मनीष बिश को नॉक कर दिया है। टीम 11 है। यहाँ पे रिवाइव दे रहे हैं, बैड एस चर्सी को रिवाइव दे रहे हैं आराम से। मनीष बिष्ट बाहर हो चुके हैं मगर यहाँ पे यशु का काबिलियत तारीफ, अपने टीम मेट को छोड़ा नहीं अकेले, मगर यहाँ पे अटैक सा हो गया है। टीपीपी ले रहे हैं यशु और यशु पे अटैक सा हो गया। यशु क्या सरवाइव कर पाएंगे? यहाँ पे यशु को भी नॉकआउट, वल्चर कोल्डन नॉकआउट करके बाहर भेज दिया टीम 6 ने। यशु को भी बाहर भेज दिया टीम 4 ने। स्लेयर वाइपर जिंदा अकेले, स्लेयर वाइपर को भी साक्षी ने बाहर भेजा है, एक लड़की ने वाइपर को बाहर भेज दिया है। वल्चर कोड जिंदा है अभी भी। टीम 23 नूब, शानू की टीम आराम से सर्वाइव करते हुए जोन की तरफ दौड़ रही है। टीम 21 यहाँ पे RDX की टीम आराम से लेटी हुई है। ये कैंपर का गेम खेलते हैं ये तीनों, देखते हैं कि कहाँ तक सर्वाइव कर पाएंगे ये सारे। यहाँ पे तेजी से व्हाट द फक स्मोकर की टीम जोन की तरफ दौड़ रही है। यहाँ पे टीम 61 के बीच और टीम 23 के बीच टीम 14 बचे। यहाँ पे टीम 4 का एक मेंबर है वो इन दिनों के बीच में फंसा हुआ है, रेबल पीयूष। रेबल की टीम में एक ही बचे हुए हैं अभी, बाकी टीम मेंबर डेड हो गए हैं। और इन्होंने इतनी अच्छे तरीके से अपने को कैंपर की तरह छुपा रखा है, दो टीमों के बीच में फंसे हुए हैं ये। क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? यहाँ टीम 25 की तरफ चलते हैं हम। टीम 25 के भुप्पी भाई अकेले ही यहाँ पे वल्चर को, वल्चर के दो मेंबर हैं उनके सामने, अगर आसान से कुछ करने की सोच रहे हैं। यहाँ पे साक्षी की तरफ इन्होंने गोलियां चलाई। टीम 6 है उनका, देखते हैं कि क्या करेंगे। टीपीपी लिए भुप्पी भाई पे अटैक। वल्चर ने फ्लो में गोलियां चलाई भुप्पी भाई की तरफ। यहाँ पे नॉकआउट करके बाहर भेजा टीम्स को बहुत अच्छे तरीके से। वल्चर ने भुप्पी भाई की पूरी टीम को बाहर भेज दिया है, भुप्पी भाई को भेज दिया है। नॉकआउट हो गई टीम 6।
अब चलते टीम 12 की तरफ। टीम 12 की तरफ हलचल हुई है पुनीत की टीम के साथ। पुनीत फिर दोबारा से मेडिक यूज कर रहे हैं, इन पे अटैक सा हुआ है कुछ। टीम 9 भी है यहाँ पे, सिद्धू की टीम। सिद्धू यहाँ से प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं सिद्धू की टीम। यहाँ से लगे हुए स्नाइप करने पे, बहुत अच्छा स्नाइप करते हैं सिद्धू का टीपी पे लेते हैं हम। यहाँ पे गब्बर है इनकी टीम में, यहाँ से सौरभ को देख रहे हैं अभी हम। सौरभ नॉक हुए, सौरभ को नॉक करा बहुत अच्छे तरीके से। गब्बर रिवाइव दे रहे हैं। यहाँ पे स्नाइपिंग का खेल चल रहा था। टीम 24, 22 और 7 है सामने ही, 7 है उनके। टीम 22 के सामने ही 7 है। यहाँ पे टीम 13 के बीच में एलटी पांडा की तरफ में, ये जोन की तरफ दौड़ने पे लगे हुए हैं। क्या जोन की तरफ सरवाइव कर पाएगी पूरी टीम? नहीं, सरवाइव करना पड़ेगा क्योंकि यही है मेरे को अच्छी टीम लगती है जो शैनॉक खेल पाती है बहुत आसानी तरीके से। एलटी पांडा दौड़ रहे हैं अपनी टीम मेट्स को लेके जोन की तरफ। यहाँ पे लॉयन, एलटी लॉयन थोड़ा सा रेड हो गए हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, बहुत तेजी से। यहाँ पे रिवाइव लेने की सोची है एलटी लॉयन ने। चलते टीम 13, टीम 13 की तरफ चलते हैं अब हम। टीम 13 की तरफ में टीम 5 भी है यहाँ पे, यही नज़दीक में टीम 5 है। कुणाल है अकेले जिंदा प्रेडेटर टीम के। तो कुणाल ने कल कारनामा दिखाया था, रश गेम खेल रहे थे, अकेले ही घुस जा रहे थे हर जगह पे, टीम को भी बचाया था जॉर्जिया पोल में। क्या ये एलटी टीम से अपने आप को बचा पाएंगे? यहाँ पे टीम 21 की लड़ाई चल रही है। आरडीएक्स बाहर हो गए। हाइपर लीलू को भी नॉकआउट करके बाहर भेज दिया है। यहाँ पे टीम 9 है इनके सामने। यहाँ पे हाइपर लीलू आरडीएक्स की टीम को नॉकआउट करके बाहर भेज दिया है टीम 9 ने। सन्नी बचे हुए हैं यहाँ पे, सन्नी को भी नॉकआउट करके बाहर भेज दिया है। ये सिद्धू की टीम है यहाँ पे, सिद्धू की टीम ने आरडीएक्स की टीम को नॉकआउट करके बाहर भेज दिया है। यहाँ पे कैप्टन धीर यानी कैप्टन शानू की टीम के बीच में हलचल हो रही है। कैप्टन शानू को गोली लगी हुई है, कैप्टन धीर उन्हें रिवाइव कर रहे हैं। अभी भी नूब जिंदा है इनकी टीम के मेंबर। यहाँ पे कुणाल जोन की तरफ आते हुए टीम नाइन को देखते हैं। टीम 9 ने वहाँ पे बहुत अच्छा गेम खेला, अब जोन की तरफ दौड़ रही है पूरी टीम। आसानी से जोन की तरफ आ जाएंगे। एलटी पांडा की टीम देखते हैं। एलटी पांडा की टीम आज 8 किल के साथ बहुत अच्छा, 3 मैचों के बाद आज उनको अपना मौका मिला है दिखाने का जोश, क्योंकि ये टीम शैनॉक की खेलती है। डागर भाई की टीम है ये। जोन की तरफ जोड़ेंगे अब। टीम 22 की तरफ चलते हैं। रीबल सैंडी को तो आप जानते ही होंगे, फोटोग्राफर हैं सेक्टर 4 के, बहुत अच्छे, भगत सिंह में पढ़ते हैं ये। इन्होंने खास हमें बोला था कि हमारी तरफ कैमरा लगा के रखिएगा, आप हमारी तरफ हमें भूल जाते हैं हमारी टीम को। आज उन्हें भी दे दिया है थोड़ा स्पॉट। टीम 16 की मुठभेड़ चल रही है। नवीन पांची की टीम है यहाँ पे टीम 4 का एक ही मेंबर है जिंदा। रिवल पीयूष अभी तक जो कैंपर की तरह लाइफ जीते हुआ है वो रिवल पीयूष है। इसकी पूरी टीम आगे स्टार्टिंग में मर चुकी है। यहाँ पे टीम 13 ने प्रवेश कराया है टीम 16 के सामने। एलटी पांडा और 16 के बीच में कुछ मुठभेड़ हो सकती है। टीम 5 भी है सामने, टीम 5 का मेंबर है सामने। यहाँ पे टीम यहाँ पे नॉकआउट करके बाहर भेज दिया टीम कुणाल को, बहुत अच्छा तरीके से इन्होंने एलटी लॉयन को नॉकआउट करा था। रिवाइव दे रहे हैं अभी एलटी लॉयन को, रिवाइव दे रहे हैं आगे की तरफ थोड़ा बढ़ते हुए। यहाँ पे 16 भी है,
ऋषभ को नॉकआउट करा। नवीन पंछी है यहाँ पे उनके साथी, नवीन पंछी है यहाँ पे उनके साथी, क्या रिवाइव दे पाएंगे? रिवाइव दे पाएंगे? रिवाइव दे रहे हैं, से रिवाइव देने पे लगे हुए हैं। रिवल पीयूष उछलते कूदते यहाँ पे बाहर भेज दिया, बाहर भेज दिया, दोनों नॉकआउट हो गए यहाँ पे। ऋषभ की टीम एक ही प्लेयर जिंदा है अभी भी। नवीन पंछी बहुत अच्छी तरीके से रिवाइव देने पे लगे, मगर यहाँ दूसरा प्लेयर नॉकआउट हो गया, मगर ये ऋषभ को जिंदा कर लिया इन्होंने। टीम 12, यहाँ पे टीम 13, सारे प्लेयर अभी भी जिंदा है टीम 13 के। यहाँ पे टीम 12 की तरफ में कुछ मुठभेड़ चल रही है, पुनीत की टीम की तरफ में। पुनीत जोन की तरफ दौड़ते हुए, जोन की तरफ दौड़ते हुए, टीम 12 की टीम, 3 मेंबर जिंदा है अभी भी। नवीन पंछी अकेले जिंदा है यहाँ पे। माफी चाहूंगा अगर ऋषभ भी नहीं बचा पाए अपने आप को, अपने प्लेयर को। नवीन पंछी अकेले सरवाइव करते हुए जोन की तरफ जा रहे हैं। पुनीत 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 की तरफ में, वहां से दूसरी तरफ से यहाँ पे नॉकआउट कर दिया है, दूसरी तरफ से नॉकआउट कर दिया। टीम 23 की तरफ चलते। कैप्टन शानू है यहाँ पे जिंदा अभी भी, इन्होंने पूरी टीम को नॉकआउट कर दिया है। 4x लगा के तड़ातड़ पूरी टीम को नॉकआउट कर दिया इन्होंने। टीम 12 को शेडो प्रैंक्स को नॉकआउट करके बाहर भेज दिया है। अब हम चलते हैं एलटी पांडा की तरफ, एलटी पांडा की टीम की तरफ चल रहे हैं हम, एलटी पांडा की तरफ चल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कवर कर रखा है, कैप्टन शानू को नॉकआउट कर दिया है। नूब 23 पीछे हैं, कैप्टन धीर उन्हें बचाने गए हैं, कैप्टन धीर उन्हें रिवाइव दे रहे हैं। मुझे लगता है कि रिवाइव दे देंगे। यहाँ पे अभी 3 टीमें जिंदा हैं, रीबल सैंडी की भी टीम जिंदा है अभी। यहाँ पे कोई हलचल नहीं, तीनों टीमों में कोई हलचल नहीं, आस पड़ोस में ही है सारी टीम। एलटी पांडा ने यहाँ पे कवर कर रखा है। वहां पे कॉफिन, कॉफिन यहाँ पे टीपीपी ले रहे हैं नॉकआउट। यहाँ पे कैप्टन धीर की तरफ इन्होंने गोली चलाई। यहाँ पे नूब को भी नॉकआउट करने की सोचा, मगर बच गए दोनों। बहुत अच्छा 4x में बहुत अच्छा प्रेशर करा, बहुत अच्छा स्प्रे दिया इन्होंने। नहीं है कि एक भी नॉकआउट नहीं हो पाए उनसे, मगर यहाँ पे पूरा सुरक्षित गेम खेलते हुए एलटी टीम। एलटी पांडा के प्लेयर सारे अभी भी जिंदा है, पूरी टीम के प्लेयर जिंदा है अभी भी। यहाँ से पीछे से स्प्रे दिया है रीबल सैंडी अभी भी कवर पे हैं। नूब की तरफ देखते हैं, यहाँ पे शानू की टीम भी जिंदा है, जोन की तरफ में है। एलटी पांडा और सामने सैंडी, क्या एंटर कर पाएंगे ये जोन में, क्योंकि दोनों तरफ से घेरा हुआ है। ये एलटी टीम की तरफ पुश करते हुए, इन्हें पता नहीं है कि एलटी टीम पूरी अंदर बैठी हुई है इनका स्वागत करने पे। यहाँ पे एलटी वेल को नॉकआउट कर दिया है, एलटी वेल को नॉकआउट कर दिया है यहाँ पे। एलटी यहाँ पे एलटी वेल को, सर संदीप सैंडी की टीम पूरी आराम से जिंदा है। नूब रिवाइव दे रहे हैं, नूब रिवाइव दे रहे हैं, नूब रिवाइव दे रहे हैं आराम से। यहाँ पे मेडिक यूज कर रहे हैं नूब। यहाँ पे पूरी टीम को बाहर निकाला, एलटी की टीम ने पूरी टीम को बाहर नॉकआउट करके भेज दिया। शानू की टीम को एलटी की टीम ने बाहर करा है। यहाँ पे दोनों के दोनों आमने सामने हैं, एलटी की टीम बाहर है अभी। क्या लगता है एलटी पांडा किसी को नॉक कर पाएंगे? वहाँ डेविल जीनिक्स भी जिंदा है। यहाँ पे रीबल सैंडी को नॉकआउट कर दिया, रीबल सैंडी को नॉकआउट कर दिया। यहाँ रिवाइव दे रहे हैं, व्हाट द फक कॉफिन। नमो 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 रश कर रहे हैं, हैरानी की बात है कि नमो रश कर रहे हैं और बम फेंक रहे हैं अंदर की तरफ। बहुत ही अच्छा दिमाग लड़ाते हुए बम फेंका इन्होंने। यहाँ पे रीबल सैंडी को नॉकआउट कर दिया है एलटी पांडा, एलटी की टीम ने। यहाँ पे व्हाट द फक कॉफिन, कॉफिन पीछे कूदे और यहाँ पे आज के विनर है एलटी पांडा, एलटी वेल, नमो
और एल्टी लॉयन बहुत ही, जो तारीफ मैं सोच रहा था कि करने की चाहूँ इस टीम की, वो उन्होंने आज साबित कर दिया है। इन्होंने बोला था कि आज मुझे, हमें, हम 3 दिन से इरेंगल खेल रहे हैं, आज आप शैनॉक लगा के देखिए, फिर हम आपको जलवा दिखाएंगे अपना। वाकई में इन्होंने प्रूव करा कि ये शैनॉक के प्लेयर हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने, रनर अप की टीम है डेविल जिनेक्स, यहाँ पे बहुत अच्छा खेल रहे थे। व द फक स्मोकर यहाँ पे सपोर्टिव रोल में रहे, कॉफिन ने यहाँ पे 5 किल करे, रिबल सैंडी यहाँ पे सपोर्टिव रोल पे 0 किल के साथ, कैप्टन शानू की टीम भी बहुत अच्छा खेल रही थी, यहाँ पे 0 के साथ किल थे, मगर नूब ने 5 किल करे, जो इसके मैं सोच रहा था कि कोई तुकी नहीं है कि टीम के साथ खेल सकता है, मगर वो 5 किल के साथ है। कैप्टन धीर 0 किल के साथ, यहाँ पे रवि बुल्लर 0-0-0, तीनों नवीन पंछी 0, कमांडर कर्ल भी 0, शैडो प्रैंक बहुत अच्छा खेल रहे थे 5 किल के साथ थे, इग्रेन डेरीज भी 2 किल के साथ थे, पुनीत यहाँ पे नाखुश रहूँगा 0 किल के साथ थे, यहाँ पे TRG फॉकी 2 किल के साथ थे। यहाँ पे बहुत अच्छा खेला इन्होंने, सिद्धू की टीम ने बहुत अच्छा खेला, सिद्धू की टीम ने, गब्बर ने 5 करे, सौरभ ने 0 पे रहे, निपुण भी 0 पे रहे, मगर यहाँ पे 2 प्लेयर ही इनकी टीम के थे, सिद्धार्थ और एक गब्बर, जिन्होंने 8 किल करे। रिक्स रावत यहाँ पे 1 किल, रिजन रेक्सी 1 किल, नेपच्यून्स ने 1 किल, और रिवल पीयूष आज के सर्वाइवर, 3-4 जोन टपते हुए अकेले सर्वाइव कर रहे थे 0 किल के साथ। कुणाल यहाँ पे जो रनर अप थी कल की, जो कल की विनर थी टीम, वो 1 किल के साथ ही रहे। प्रेडेटर डॉग्स भी 0 किल के साथ, इनकी टीम एंटर नहीं कर पाई क्योंकि इनके पास एनॉक डाउनलोड नहीं था इनकी टीम में। यहाँ पे आई एम काल 1 किल के साथ, मिर्ज़ा 5 किल के साथ, 3 किल के साथ मोनिजलमा 3 किल के साथ, यहाँ पे डेमोन 2 किल के साथ, वैम्पायर 1 किल के साथ, वल्चर कोल्ड बहुत अच्छा खेल रहे थे 6 किल के साथ, साक्षी ने नॉकआउट करा था यहाँ पे, मैं भूल गया उनका नाम, मगर बहुत अच्छा नॉकआउट करके उन्होंने बाहर कर दिया था 2 किल के साथ। राउडी बेबी 0 किल, सारी टीम 0 किल के साथ। प्रभात सुयाल 0 किल, भीष्म 0 किल, बुप्पी भाई 2 किल, भीम 2 किल, यहाँ पे पूरी टीम को नॉकआउट कर दिया, मगर बुप्पी भाई एंड तक सर्वाइव करते हुए उस टीम को नॉकआउट कर दिया था जिन्होंने इनकी टीम को नॉकआउट करा। यहाँ पे रंजन 0 किल के साथ रहे, प्योर सोल 0 किल के साथ, वाइपर यहाँ पे 1 किल के साथ, स्लेयर वैम्प 0 किल के साथ, डेड शॉट 0 किल के साथ। आज फिर बैड एस चर्सी ने 1 किल कर दिया इनकी टीम से, यशु की टीम से बैड एस चर्सी ने 1 किल करा। यशु ने बहुत अच्छा रिवाइव दे रहे थे बैड एस चर्सी को, मगर वहाँ पे फंस चुके थे, चारों तरफ से टीम ने घेर लिया था, बैड लक था। मनीष विश भी आज 0 के साथ, थॉमस भी 0 किल के साथ, और यही था आज का समीकरण। एलटी पांडा ने साबित करा कि वो चैंपियन है शैनॉक की स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे मैच में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जोन टू जोन खेल रहे थे और टीम को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आप सभी का सुप्रभात, सत श्री अकाल, आप सभी का धन्यवाद। आज 85 हम लॉग इन करके प्लेयर्स एंटर कर दिए, माफ़ी चाहूँगा कि हमने स्टार्ट कर दिया, जो जो जिन जिन के टीम मेट्स नहीं आ पाए। शैनॉक हमने सुबह ही बोल दिया था कि डाउनलोड पे लगा दीजिए, मगर 10 प्लेयर ऐसे थे कि जो नॉकआउट होके बाहर चले गए थे मैप की वजह से। सभी को शुभ रात्रि, कल भी ऐसे ही हम सेम टाइम पे 10 बजे मैच स्टार्ट कर देंगे, 9:30 पे गेम का लॉगिन आईडी भेज देंगे। गुड बाय, गुड नाइट, कीप सपोर्टिंग स्ट्रीट गेमर्स।